अरे शाम तो नाव में उतरेंगे अब हम, थोड़ा पानी भरा हुआ तो संभालने जाने में दिक्कत हो रही है, तो केशी घाट जा रहे अभी हम। राधे शाम, तो रात के बज गए हैं 11 और मैं हरियाणा फरीदाबाद से निकल चुका हूँ वृंदावन धाम के लिए। तो बाकी जो भी हमारे साथी हैं, जो भी भक्तजन हैं मेरे साथ के, तो वो सब अभी फरीदाबाद में ही मिलेंगे मुझे। और अर्जेंट में जाना पड़ रहा है मैं वृंदावन धाम, क्योंकि वहाँ से एक प्रभु जी हैं, ब्रजवासी हैं, उनका कॉल आया था कि वहाँ पर तक फूड नहीं पहुँच पा रहा है, तो इसलिए जाना पड़ रहा है अर्जेंट बेस पे। रात पे निकल रहे हैं 11 बजे और कल सुबह हम सेवा देंगे। राधे श्याम, राधे राधे। तो गाड़ी में सामान ज़्यादा हो गया है तो हम दोनों को निकलना पड़ रहा है पैदल, क्योंकि हमें और सामान भी लेनी है, फ्रूटीज़ वगैरह। तो गाड़ी में पूरा पैक्ड है सामान, इस गाड़ी में जा रहा है हमारा, तो पूरा सामान है। हमारी टीम पूरी पहुंच चुकी है केशी घाट के लिए। कुछ सामान तो चला गया था, कुछ सामान यहाँ पर रखा है। हम लेके जा रहे हैं, आप सारे केले हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। सामान है, भाई लोग सब लगे हुए हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। दही है, सब चीज़ें, अभी पानी भी हमारा आ गया है काफ़ी सारा। हम हैं अभी धोबी घाट और केशव कॉलोनी में, और यहाँ पर देखो पानी ही पानी, कितना पानी है, खूब पानी पूरा भरा हुआ है। आज बहुत बारिश भी हो रही है यहाँ पर, हालत देख लो कैसी हो रखी है। और भैया भी आ रखे हैं हमारे साथ, ये नाव वाले भैया हैं, और बहुत पानी है, देखो कैसे लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर रखा है यहाँ पर। क्या बताऊँ, अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते। यहाँ पर जब हम आए थे लास्ट टाइम बहुत कम पानी था, और आज तो इतना है कि इतना इतना पानी लोग आ रहे हैं लेने से, बहुत पानी है, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ी बुरी स्थिति है। दो तीन केला और डाल दो बाबा को, बहुत बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, बहुत पानी 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 पानी, बहुत दिक्कत है, पानी पानी भरा हुआ पूरा। देखो कितनी दिक्कत है, बारिश हो रही है ऊपर से और पानी कितना भरा हुआ है, देखो सामान पूरा भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है सामान की वहाँ पर भी। ये देखो घर कैसे डूब गए। उस दिन जो आप पानी देके गया था बाबा, उसी पानी हम पी रहे हैं अभी, कहाँ पानी दे रहा, कोई नहीं दे रहा। तो भैया यहाँ पर देख लो पानी कितना हो रहा है, भैया बताएंगे। बिहारी जी के ऊपर विश्वास करो, सब ठीक रहेगा। पानी इतना है ना, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, मैं क्या बताऊँ, लोग कैसे यहाँ पे सफर कर रहे हैं। ये देखो पानी, आपको स्थिति पता चल जाएगी पहले। अब देखो इन्हें घर भी डूब चुका है, वहाँ आंखों में आंसू आ जाएंगे लोगों के। यहाँ पे दो परिवार है, बच्चा है, देखो इसका पानी हुआ है। भगवान क्या कहे, बड़ी दिक्कतों के सामने नहीं, मैंने किसी से कहता दो, देखो चटक रही है, सारा गिर जाएगा ये थोड़े टाइम में। देखो मकान, पूरा मकान गिरने के लिए बैठा, पूरा मकान गिर जाएगा ये पानी की, पानी इतना है यहाँ पर। और आगे जा रहे हैं हम सेवा देने ठाकुर जी के पास। है कोई बाबा, एक एकादशी प्रसाद है भैया, एकादशी का व्रत है क्या, तो प्रसाद है हमारे पास एकादशी का। दही मिल गया आपको, दही मिल गई सेठ जी, और क्या चाहिए, पानी डाल दो। आप तो खा सकते हैं लेकिन ये बेजुबान कैसे, वही तो बात है। कुत्ता कहाँ से पीछे पीछे तक आ रहा था हमारे, उसको भूख कितनी लग रही है वो देखो, कितने बिस्किट के पैकेट दिए वो भी खा गया, दही दिया उसको दो बार दिया दही वो भी खाए, मतलब कितने टाइम से भूखा हो गई। तो काफ़ी सारे लोगों को पड़ चुका है सामान, और अभी बहुत सामान हमारे पास बचा है काफ़ी, और फिर भी बहुत हालत हरे कृष्ण। तो फिर भी कोई देने आएगा पूछ लेगा, पर इनको इनका क्या, बेजुबान का। अरे देखो गिलहरी ऊपर बिस्किट खा रही है। सेवा खत्म करके हम सब जा रहे हैं वापसी, सारा सामान खत्म। राधे राधे। तो भाई हमारी सेवा आज की डन, और अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि बहुत दिन हो गए, अब घर जाके मम्मी पापा से बातचीत करेंगे।